नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अतुल प्रसाद जी जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उनका इंटरव्यू हुआ है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें निकल कर सामने आई है। देखिए, कई सारे बिंदु अब स्पष्ट हो चुके हैं। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 3.0 का नोटिफिकेशन कब आएगा, कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, इसमें अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा कि नहीं, बिहार स्टेट अपेयरिंग या फिर सीटेट अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा कि नहीं, फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में उन्होंने क्या कहा, फिर मल्टीपल रिजल्ट के बारे में क्या कहा, तो सारी बात है एकदम विस्तार से आप लोग को बताता हूँ बहुत कम समय में। मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग तो एक्टिव रहते हैं, तुरंत सोशल मीडिया पे जानकारी मिल जाती है, लेकिन नई जानकारी होगी तो अभी मैं आपको बता दूं, फॉर्म भरना जो स्टार्ट होगा टीआरई 3.0 का, वो 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म फिल होगा। ठीक है, और अपेयरिंग को लेकर उन्होंने क्या कहा, अपेयरिंग को लेकर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया अतुल प्रसाद जी को, तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक जिसके पास जो पात्रता होगी वह एलिजिबल माना जाएगा। तो कुल मिलाकर अपेयरिंग वालों को मौका नहीं मिल रहा है। अगर उनकी पात्रता परीक्षा होने तक हो जा रही है, तो अगर उनकी पात्रता फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक, मतलब 22-23 फरवरी तक अगर उनकी पात्रता हो जा रही है, सीटेट या स्टेट वो पास कर ले रहे हैं, तब वो पात्र माने जाएंगे। तो कहाँ स्टेट या सीटेट, सीटेट का शायद परीक्षा हुआ है, अब शायद उसका रिजल्ट अगर उसके पहले आ जाए तो वह एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, तो अपेयरिंग के बारे में उन्होंने सीधे सीधे यह बातें कही। कुल मिलाकर बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे बिहार स्टेट 2024 का, अभी परीक्षा शायद मार्च में होने वाला था, लेकिन अब उसका परीक्षा आगे जाएगा, तो वह लोग अपेयरिंग की बात कर रहे थे। तो देखिए, अब अपेयरिंग वालों को कोई चांस नहीं है, मतलब अपेयरिंग वालों को मौका नहीं मिलेगा। सीटेट की परीक्षा हुई है, अगर उसका रिजल्ट आ जाता है 22-23 फरवरी तक, तो वह शायद पात्र होंगे। ठीक है, तो अपेयरिंग को लेकर उन्होंने ये कहा। ठीक है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में उन्होंने यह कहा कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, और इसके पहले जो भी टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है, इसके बारे में मैं कुछ कहूंगा नहीं। हाँ, उन्होंने ये कहा कि मैं इसके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, ये विभाग का और सरकार का कार्य है। ठीक है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। और उन्होंने यह भी बात है एक लाइन में कह दी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जगह आप यही समझिए कि यह सप्लीमेंट्री एग्जाम ही हो रहा है। ठीक है, और फिर दूसरी बात उन्होंने यह भी कही कि अब टीआरई 3 में किसी प्रकार का कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा, या फिर आने वाली किसी भी भर्ती में हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे। यह भी दो टूक उन्होंने कहा। सबसे लास्ट बात है, उन्होंने क्या कही, उन्होंने कहा कि मल्टीपल रिजल्ट देना हमारी बाध्यता है, हम टीआरई 3 में भी मल्टीपल रिजल्ट देंगे, टीआरई 4 में भी मल्टीपल रिजल्ट देंगे। कुल मिलाकर आप समझ लिए होंगे कि टीआरई 3 में भी सीटें बहुत सारी रिक्त जाएंगी। अगर इसी का टीजीटी में, पीजीटी में, जूनियर में, पीआरटी में कई जगह से सिलेक्शन होगा, तो कोई एक ही जगह वह मतलब एक ही जगह वह नियुक्ति पत्र पा सकता है, नियुक्ति पा सकता है। कुल मिलाकर अतुल प्रसाद जी का यह भी कहना है कि टीआरई 3 में या टीआरई 4 में हम किसी प्रकार का, किसी भी परीक्षा में हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट आगे नहीं देने वाले हैं। और फिर उन्होंने यह भी कहा कि हम मल्टीपल रिजल्ट देते रहेंगे। ठीक है, तो यह बात है उन्होंने कही। हाँ, लेकिन अपेयरिंग वालों को मौका नहीं मिल रहा है, तो कुल मिलाकर टीजीटी पीजीटी वाले जितने परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके लिए यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी कही जा सकती है कि अब एस्टेट, वही जो एस्टेट पास हैं, बस उसी सब में फिर से आप लोगों की परीक्षा होने वाली है। तो एक बड़ा मौका एक तरह से आप समझ सकते हैं, एस्टेट वाले जो एस्टेट अभ्यर्थी जो है उनके लिए एक बड़ा मौका है। ठीक है, क्योंकि अब नए अभ्यर्थियों को इसमें मौका नहीं मिल रहा है। ठीक है, और सीटेट वालों के लिए भी एक बड़ा मौका एक कहा जा सकता है। कुल मिलाकर यह बातें उन्होंने कही। परीक्षा आपकी कब से हो सकती है, तो परीक्षा भी आपकी 7 मार्च से 17 मार्च के बीच में परीक्षा भी आपकी हो जाएगी, यह बातें उन्होंने कही। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की कंप्लीट तैयारी हमारे हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट की हो रही है, और बिहार टीजीटी हिस्ट्री की कंप्लीट तैयारी भी हमारे चैनल हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पे लगातार हो रही है, लगातार कोर्स संपन्न कराया जा रहा है। ओनली हिस्ट्री कक्षा 6 से लेकर 12 तक का पूरा हैंडरिटन नोट्स दिया जाएगा, पूरा पीपीटी नोट्स दिया जाएगा, पूरी टेस्ट सीरीज दी जाएगी। जो भी लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद आप लोगों को। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।